हेलो गाइस, मैं हूँ क्योकेक्स गेमिंग। ओके गाइस, ये मैसेज मैं कब से रिकॉर्ड करना चाहता था और सारे फ्री फायर कम्युनिटी वालों को मैं बोलना चाहता था। गाइस यार देखो गाइस, हमें छोटे स्ट्रीमर ओके हमारे 6000 ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर होने वाले, ठीक है। और मेरे जैसे कई और स्ट्रीमर है गाइस जिनके 1000 सब्सक्राइबर है, 2000 है, 3000 है, 4000 है, बट हर कोई ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि गाइस सबके चैट में गाइस एक ही मैसेज चलता रहता है फ्री फायर वालों फैंस का कि गाइस मुझे आलोक दे दो, मुझे डायमंड दे दो, ठीक है। गिव अवे आप नहीं करते हो, आप लोग सेल्फिश हो, आप लोग के पास आलोक नहीं तो आपका गेम प्ले बेकार है, आपके पास आलोक नहीं, आपके पास कैरेक्टर नहीं है, स्किन्स नहीं तो आपका स्किल्स भी बेकार है। गाइस मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ गाइस, यार ऐसा मैसेज क्यों करते हो यार, आप हमारे बारे में तो सोचो कभी यार। हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स है यार, ठीक है, तो हमने अभी तक उतना अर्निंग चालू नहीं किया। और गाइस देखो, यूट्यूबर की मर्जी है वो गिव अवे करे वो गिव अवे ना करे, ठीक है, बट आप किसी को एग्जैक्टली ऐसा फोर्स नहीं कर सकते गिव अवे करने के लिए, ठीक है, अगर वो नहीं बोलता है, ठीक है। एटलीस्ट देखो मेरे साथ ये चैट में हो चुका है कि मैंने जैसे एक XYZ ने मेरे को बोला कि भाई आलोक दे, तो मैं बोलते कर कि भाई देखो गिव अवे अब नहीं होगा, एक माइलस्टोन है जो कि मैंने अपना माइलस्टोन रखा कि 10K के बाद मैं अपनी खुशी से गिव अवे दूंगा, ताकि एटलीस्ट एक गिव अवे भी हो जाए और मेरे को एक खुशी भी हो कि यार मैंने माइलस्टोन अचीव किया कुछ। लेकिन क्या है ना कि कुछ लोग को मैं बोलता हूँ जबकि मेरे पास आलोक नहीं है, मैं दूंगा खुद ही, तो यार वो लोग बोलते हैं तू नूबड़ा है और माँ बहन की गाली देना चालू कर देता। रिटर्न में हम नहीं बोलते यार, क्योंकि हमें अपना गाइस चैनल हमें बचाना है, हमें तो हमें अपना चैनल को खराब नहीं करना, ना ही हम यहाँ पे हेट फैलाने आए। हम सिर्फ चाहते हैं कि गाइस आप कम्युनिटी वाले लोग जो भी है गाइस सपोर्ट करिए इस चीज़ों का। आप भी, मैं छोटा स्ट्रीमर गाइस इस चीज़ को मैं उठा रहा हूँ, आप बड़े स्ट्रीमर हो गाइस, मैं सारे गेमर स्ट्रीमर्स को बोलना चाहता हूँ, टोटल गेमिंग को बोलना चाहता हूँ, डीसी गेमर को बोलना चाहता हूँ, BBFI को भी बोलना चाहता हूँ मैं, और जितने भी स्ट्रीमर है गाइस फ्री फायर के, सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि गाइस प्लीज आप लोग भी ये चीज मैसेज में कन्वे कीजिए कि यार प्लीज मत मांगिए किसी भी कुछ। क्योंकि क्या है ना कि लोग जब मांगते हैं ना गाइस, और जब हम नहीं बोलते ना उनको कि गाइस बाद में होगा, तो वो लोग बोलते हैं नूबड़ा है तू, तेरे को खेलने नहीं आता, तेरे पास आलोक नहीं है। जरूरी थोड़ी है गाइस, उसका चैनल भाई जीरो से चालू होता है और काफी मेहनत करते हैं हम गाइस, 12-13 घंटे हम स्ट्रीम करते हैं। आप लोग चेक कर सकते हो मेरे चैनल में कि हम कितना टाइम स्ट्रीम करते हैं। कुछ कुछ लोग समझ जाते हैं, लेकिन हमें पूरा एक 15 मिनट पूरा वीडियो में समझाना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि बार बार समझाने से अच्छा क्यों ना एक स्पीच ही बना लेते और फैला देते भाई। एटलीस्ट मेरे से एक स्टार्ट हुआ, कोई और स्ट्रीमर भी को ये फेस कर रहा होगा, तो एटलीस्ट मेरे एक मैसेज से उसको भी रियलाइज होगा कि गाइस यस ये भी वो चीज़ फेस कर रहा है, तो उसको भी थोड़ा एक लगेगा कि हाँ चलो कोई तो है जिसने उठाया है। और धीरे धीरे कर करके मुझे लगता है गाइस आगे के लोग भी इस चीज़ें उठाएंगे, एंड आई होप कि बड़े बड़े स्ट्रीमर्स भी यार इन चीज़ों को सपोर्ट करें, आगे उठाए। थैंक यू सो मच, बस यही बोलना था गाइस, लोग गिव अवे करते हैं अपनी खुशी से, एक माइलस्टोन होता है वो अचीव करने के बाद गाइस, ओके। बाकी यूट्यूबर की मर्जी होता है, प्लीज प्लीज एब्यूज करना बंद कीजिए गाइस चैट्स में, किसी को भी, मेरे को भी नहीं, कोई भी स्ट्रीमर को गाइस एब्यूज मत कीजिए चैट में, क्योंकि उसके पीछे का मेहनत गाइस आप लोगों को नहीं पता। जो लोग यूट्यूब पे स्ट्रीम करते हैं ना उनको एग्जैक्टली पता कि क्या मेहनत लगती है गाइस एक स्ट्रीम करने के लिए, ओके गाइस। तो टेक केयर एंड आई होप गाइस जरूर एक दिन एक कम्युनिटी पूरी की पूरी एकदम बदलेगी गाइस। बिग बिग लव टू यू गाइस, टेक केयर।